चलिए तो आज के ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं अब 12th ज्योग्राफी के अध्याय 7 का पॉइंट, भारत में पर्यटन उद्योग की स्थिति। जी, आप इससे पहले भी पर्यटन उद्योग कि क्या संभावना है भारत में उसको पढ़ चुके हैं और आज फिर से एक बार विस्तार पूर्वक पढ़ लीजिए। भारत एक ऐसा देश है जहां प्राकृतिक भूदृश्य, मनमोहक खंडहर और मनमोहक जलवायु यहां उपस्थित है, जिसको देखने की इच्छा संपूर्ण दुनिया के लोगों के मन में है। परिणाम स्वरूप दुनिया के कोने कोने से भारत पर्यटक आते हैं और जिसका परिणाम यह निकलता है कि भारत में पर्यटन उद्योगों की स्थिति अच्छी है और अच्छी होती जा रही है। मैं थोड़ा सा भारत सरकार के इस पर विचार बताता हूं। पर्यटन उद्योग पर जानते हैं, भारत सरकार ने पर्यटन उद्योग को निर्यातों का आय निर्यात का आय निर्यातों का प्रमुख खजाना माना है। कहा है कि आय का जो निर्यात होता है वह सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन उद्योग से हो रहा है। इतना ही नहीं, मैं बता दूं आप लोग को कि आय उत्पन्न करने वाले उद्योगों में तीसरा नंबर पर यह पर्यटन उद्योग है। और मैं बता दूं आप लोग को, भारत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार इससे मिल रही है, पर्यटन उद्योग से। यही कारण है कि सरकार भी इस पर विशेष जोर दे रही है, क्योंकि विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का सबसे बढ़िया उद्योग या माध्यम पर्यटन उद्योग है। भारत में लगातार पर्यटन उद्योगों की स्थिति अच्छी हो रही है। इसकी स्थिति में जो सुधार हो रहा है उसका आप इस छोटा सा एक टिप्पणी से अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे पास डाटा है, 2003 में लगभग 16 लाख विदेशी लोग अर्थात विदेशी पर्यटक भारत में आए थे। 2003 की बात कर रहा हूं, देखिए एक साल के बाद। वैसे मैं थोड़ा सा इस पर एक यहां रोकता हूं, 2003 में थोड़ा सा पर्यटकों की संख्या घटा था, क्योंकि 2001 में जो है शायद मालूम होगा कि अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ था और उससे दुनिया के लोग डर गया था, इसलिए थोड़ा सा कम हुआ था। देख लीजिए 2003 में जहां 15 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए थे, वहीं 2004 में सुनिएगा तो थोड़ा आश्चर्य लगेगा, 125 लाख पर्यटक भारत आए थे। समझ सकते हैं कितना आगे बढ़ गया। और थोड़ा सा मैं बता दूं, और जिससे करीबन 21,828 करोड़ विदेशी मुद्रा प्राप्त हुआ। इस तरह से मेरे भाई दिन प्रतिदिन ये पर्यटन उद्योगों की स्थिति अच्छी होती जा रही है, विदेशी मुद्रा इससे अधिक से अधिक अर्जित हो रही है। तो शायद भारत में पर्यटन उद्योग की क्या स्थिति है इससे आप अवगत हो गए होंगे। अगर फिर भी इसको लेकर आपके मन में किसी भी तरह का सस्पेंस है, किसी भी तरह के क्वेश्चन है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी सर, पर्यटन के मतलब क्या हुआ? सिर्फ पर्यटन के मतलब हमने इससे पीछे बताए थे कि पर्यटन का मतलब होता है मनोरंजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, पर्यटन कहलाता है, और जो यह काम करता है वह पर्यटक कहलाता है, और जो स्थान मनोरंजन के लिए रहता है वह स्थान पर्यटक स्थल कहलाता है। पिछले क्लास में बताए थे, बहुत अच्छी तरह से बताया कि मान लीजिए
कि यहां से आप पटना जा रहे हैं चिड़ियाघर देखने के लिए, एकदम जत्रा बना के जा रहे हैं कि यहां से हम चिड़ियाघर जाएंगे देखने के लिए, तो आप हो गए पर्यटक और आप जो वहां गए तो पर्यटक स्थल हो गया, और ये टोटल क्रिया क्या हो गई, पर्यटक सॉरी पर्यटन। शायद समझ में आ गया, पर्यटक का मतलब हुआ मनोरंजन के लिए, किसी अच्छे चीज को देखने के लिए आप जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं वही क्रिया पर्यटन कहलाता है, राइट? समझ गए जी सर। और कोई डिस्कस करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते, पता, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको आपने समझ गए, हमसे डिस्कस भी कर लिया, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जी, अनेकों प्राकृतिक भूदृश्य और ऐतिहासिक खंडर और मनमोहक जलवायु उपस्थित है जो पर्यटन उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। प्रताप सिंह, भारत में आय निर्यात का सबसे प्रमुख साधन पर्यटन उद्योग है। विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में इस उद्योग का स्थान भारत में तीसरा है। यहां के लगभग 2 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे रोजगार प्राप्त कर रहा है। 2004 में इससे 21,828 करोड़ विदेशी मुद्रा भारत प्राप्त किया था, और 2005 में 25,172 करोड़ विदेशी मुद्रा अर्जित किए थे। प्रताप चंद, इस तरह से उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हो रहा है कि भारत में पर्यटन उद्योग की स्थिति अच्छी है। तो इस तरह से आप भारत में जो पर्यटन उद्योग की स्थिति थी क्या थी उसको आप जान चुके हैं और आपने लिख भी दी। हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्र, अर्थात भारत के जो प्रमुख पर्यटक स्थल है उसका थोड़ा नाम जानेंगे, उसके विषय में थोड़ा जानेंगे, लिख लीजिए। पर्यटन जी, तो सुन लीजिए इसके विषय में। पहले मैं थोड़ा बता दूं, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम सुने होंगे आप लोग, जम्मू कश्मीर का नाम सुने होंगे आप लोग, और इसके अलावा भी भारत के लगभग सभी राज्य में कुछ ना कुछ ऐसे जगह हैं जो काफी रमणीय है, काफी लोकप्रिय स्थल है जिसको देखने के लिए दुनिया के लोग ललायित रहते हैं। उन्हीं में से मैं थोड़ा एक दो जगह का नाम बता दूं, सुने होंगे आप लोग। ताजमहल का नाम, आगरा में ताजमहल है तो वो भी क्या है, पर्यटक स्थल है। कुतुब मीनार का नाम सुने होंगे दिल्ली में, वो भी भारत का क्या है, एक पर्यटक स्थल है। इस तरह से भारत में अनेकों पर्यटक केंद्र हैं, जिसमें से कुछ को हम लिखाएंगे और संक्षेप में लिखाएंगे किस राज्य में या कौन राज्य प्रमुख इसके केंद्र है। देखिए, वैसे तो भारत के हर इलाके में कुछ ना कुछ विशेष उपस्थिति है जो पर्यटक को
आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल के सागर तट पर भारत के प्रमुख पर्यटक उद्योग स्थापित है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। इसके अलावा भारत में कई कई अभयारण्य, चिड़ियाघर और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए स्थल भी हैं, जो पर्यटक या पर्यटन केंद्र के रूप में विख्यात है। तो इस तरह से आपने भारत के जो प्रमुख पर्यटन केंद्र था उसको आपने जान गए। अगर इस पर थोड़ा कोई डिस्कस करना हो तो आप कर सकते हैं। जी सर, मंदिर नहीं आएगा इसमें? ना आएगा ना, जो बढ़िया मंदिर होगा तो वहां पे भी तो आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता? वैष्णो देवी के दरबार हुआ, राम मंदिर हो गया, क्यों नहीं आएगा? देवघर सब जी आ सकता है, हिंदू का स्थल है तो हिंदू बहुत दूर दूर से आते हैं ना। और कोई समस्या, और कोई क्वेश्चन? चलिए तो अच्छी बात है कि आप लोग को इसमें समस्या नहीं है, लेकिन अब हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है। तब आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।